भी है और ये मैं पाकिस्तान के आवाम से भी मुखातिब हूँ। ये जो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स निया साहब के केस में सामने आए हैं, ये नहायत अफसोस है। उसका एक बैकग्राउंड है और वो ये है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ कि हकायक को नहीं देखा गया। उसकी वजह ये है कि मैं एक हेयरिंग में तो मैं खुद थी, मामला जो है वो मियां साहब की रिपोर्ट्स और मियां साहब की बीमारी तक जाने दिया ही नहीं, उसको एब्सपॉन्डर तक रखा। और अगर वो नैब भी इसमें शामिल था और अगर वो जरा सा भी मियां साहब की बीमारी या रिपोर्ट्स की तरफ आता था तो उसको घूम फिर के फिर एब्सपॉन्डर की तरफ तजवील की तरफ लेके जाया जाता था। तो और फिर ये बात भी हुई कि मियां साहब शायद अस्पताल में दाखिल नहीं है तो मियां साहब बीमार नहीं है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि हर बीमार शख्स के अस्पताल में दाखिल होता है, एक हार्ट पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है और वो कोरोना की वजह से अपने घर में कैद है।